मत है। मैडम उसको लेके आए। सारे के सारे गिरे हुए साले। काय गो पोरगी, यही ना वो बोल गा भाई। हाँ दीदी, यही है वो। जब मैं बस्ती में से जा रही थी तो मेरे पिछवाड़े चिमटी काटकर किमी काटकर बोला। अच्छा रजा भाई। मैडम मैडम वो मैडम वो क्या है ना मैडम, उसको नींद में चलने की आदत है ना, इसके लिए मैं चिमटी काट कर उसको उठा रहा था। उठा रहा था। अब जब मेरा डंडा उठेगा ना, ना तो कुछ उठ पाएगा ना कुछ उठा पाएगा तू। जब चिमटी काट मिलिया। अंदर क्या हो रहा है? ये जो अंदर हो रहा है ना वो तो तेरे साथ भी होगा। अरे तू चिंता मत कर रघु, तूने तो खाली पाकिट मारा है ना, बाकी ये इंस्पेक्टर उर्मिला मार तोड़ कर भी बहुत डेंजर हो रहा था भाई। सौ कुन माफ कर देगी, लेकिन किसी लड़की को छेड़ा या धोखा दिया ना तो समझो वो गया। ये मैडम का फोन। उठा उठा। हेलो जी मैडम, तो बिजी है। कुछ बोलो ना। क्या अर्जेंट है मैडम? आपका फोन। सेवा की माँ। वो किरण करके कोई है, मैंने मना किया लेकिन बोलती है कि अर्जेंट है। तो मैडम वो सलिया गर्म हो गया। छुआड़े में चिमटी निकालने का बहुत शौक है ना रे तेरे को। सब इंस्पेक्टर उर्मिला माटोड़कर बोलते इकड़े। कौन देखड़े? मैं किरण। काय पाइजे? इंस्पेक्टर मारतोड़कर, मैंने सुना है कि आप मेरे जैसे प्यार में धोखा खाने वाले लोगों की आउट ऑफ दी वे जा की मदद करती हैं। 100% सही सुना है तूने। लगता है तेरे को अपन किसी ने धोखा दिया है। हा? सलाम साहब। उस हलकट का नाम पता बोल दे, मैं देखती हूँ उसको। डीके नाम है उसका। 2 साल से हमारा अफेयर चल रहा था, मैंने शादी की बात की तो साफ मुकर गया और अब तो मेरा फोन तक नहीं ले रहा। तो सीधे उसके घर पहुंच जाने का। जाना था मुझे, पर बात यह है ना कि मेरे मम्मी डैडी हमारी शादी के खिलाफ है, मुझे घर में बंद करके रखा है। अगर टीके ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं रे सोनिया, ऐसा नहीं बोलते। खाली तेरे डीके को ना कोपचे में ले जाके समझाना पड़ेगा। मैडम वो सलिया अब तक अंदर ही है। निकाल दे और सुन, अब लोग उठा दे। अब बोल उसका पता नंबर बोल जरा। ए करू, मैं चालू इतनी पोपट के सूट पर रखकर भूल गया हूँ, जरा नजर रखना। कहीं किरण तो नहीं? हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर डीके प्लीज? वो तो वैसे आप कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम करीना है, मैंने उनका बहुत नाम सुना है लेकिन मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला। क्या प्लीज मिस्टर डीके का फोन देंगे? तो मैं ही, मैं डीके बोल रहा हूँ। डीके? ओह वाव, मैं तो आपके डिजाइन की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी। एक्चुअली इस साल मैं मिस भांडुप कंटेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ। भांडुप? और मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़े आप ही डिजाइन करें। करेंगे ना? हाँ जरूर करूंगा, मैं तो करने के लिए बनाया गया हूँ। वैसे कंपटीशन जीतने के लिए कपड़ों की क्या जरूरत है? वही तो, लेकिन फॉर्म पर लिखा है कि कपड़े कंपल्सरी हैं। हाँ आजकल काफी स्ट्रिक्ट हो गए। तो ठीक है, मैं अपना नाप देने के लिए आपके पास अभी आ जाती हूँ, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। निकी और पूछ जल्दी आके दे दीजिए ना। I'll be waiting for you. Okay, then. Bye. Am I cool or am I cool? तो तू डीके बन गया? Yeah. You know how it is. मगर ये डीके है कौन? है कुत्रिया। एक बिचारी को अपने प्यार में फंसा के अब धोखा दे रहा है। मगर अब मैं देखती हूँ वो नालायक कैसे नहीं सुधरता। देख तू मेरी बात मान, अगर उस लड़की को पता चल गया तो? अबे कैसे पता चलेगा यार, उसने डीके को देखा तक नहीं है, अब उसके लिए मैं ही डीके हूँ। समझा कर यार, थवा गरम है। इसलिए कह रहा हूँ जरा संभल कर खेल वरना हाथ जल जाएगा। मैंने तुझे नजर रखने को कहा था ना। सॉरी। अब इसे और पोपट
दोनों को तू ही संभाल। बाय बाय डिवोर्स, ठीक है? अपना शरीर ठीक है। Yeah.